हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम लोग करने वाले हैं, हमारा एक हेलमेट है उसको हम लोग वाटर डिपिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो हेलमेट जिसे हमें करना है वाटर डिपिंग। इसका हम लोगों ने पहले तो डिसाइड किया था कि इसको हम लोग कार्बन फाइबर करेंगे, लेकिन इसको हम लोगों ने अभी सोचा है कि इसको हम लोग फोर्ज कार्बन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसा लगता है। इसके आप कंडीशन देखिए, अभी फ़िलहाल तो इसकी कंडीशन ये है, स्क्रैचेस वगैरह, देखते हैं आगे। तो अभी हमारा हेलमेट काम तो स्टार्ट हो गया है, इसको पहले अच्छी तरीके से पेपर मार देंगे। कितने नंबर का पेपर है समीर भाई? 600। ये 600 नंबर का पेपर इसके ऊपर मार रहे हैं अभी। इसको अच्छी तरीके से पेपर मारने के बाद इसको हम लोग बेस कोट मारेंगे, उसके बाद इसका काम चालू होएगा। ये स्टिकर भी निकाल दे। तो गाइज अभी हेलमेट का काम तो चालू है, और हमारे साबिर भाई का फोन आया था महाकाली से, तो मुझे वहां पे जाना है। उनकी कोई एक बाइक है, बाइक के ऊपर थोड़ा स्टिकर्स करना है, बाइक पूरी रिपेंट हुई है तो उसके ऊपर स्टिकर लगा के लैकर कोट करना है। तो अभी मैं वहां जाता हूँ, तब तक समीर भाई इसको हेलमेट को पेपर वेपर मार के, पॉलिश पेपर मार के रेडी करेंगे, फिर मैं आके फिर इसको कंटिन्यू करते। तो गाइज अभी यहाँ पे एक पंगा हो गया है। ये जो कलर है यहाँ पे मुझे पता भी नहीं था, मैं यहाँ पे आया तो उसके बाद मुझे पता चला है कि ये जो कलर अभी ये लोग ने मारे हैं, ये अभी हम लोग 4-5 घंटा पहले ही मारे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता, देखिए ये कलर जो है काफ़ी गीला है अभी, तो इसके ऊपर हम लोग स्टिकरिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर स्टिकर लगा के हम लोग थोड़ा सा भी बबल के लिए उठाते हैं उसको तो पेंट निकल जाएगा इसका, तो इसका स्टिकरिंग अभी तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, ये था इसके का स्टिकर। चलिए चलते हैं गाले पे वापस। तो गाइज हेलमेट पे बेस कोट तो हो गया है, अब इसको हम लोग टेपिंग करके डिपिंग करने जा रहे हैं। इसको पहले अच्छी तरीके से हम लोग इसको टेपिंग कर लेंगे। देखिए आप, लुक वाइज तो बहुत ही सही लग रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है आप इधर देख सकते हो। इसका स्ट्रक्चर जो है वो बेस कोट को पकड़ नहीं रहा है, आप देख सकते हो मेरे उंगली से ही पूरा निकल जा रहा है। ये देखिए आप, मतलब बेस कोट बराबर से समझ लो फिल्म उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा है या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। ये देखिए आप, तो इसको हम लोग वापस करने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। साइड का तो समझ लो ख़राब हो गया, अभी हम लोग दूसरे साइड में जो आधा टेपिंग किए थे उस तरफ से डुबा के देखते हैं कि क्या होता है। तो एक साइड का तो हमारा समझ लो ख़राब हो गया, वेस्ट हो गया, अभी हम लोग इस तरफ करने वाले हैं। तो गाइज ये हम लोगों ने अभी सेकेंड टाइम डुबाए थे, लेकिन पता नहीं इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है, अभी हम लोगों को इसके ऊपर भी थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। तो मतलब मुझे तो लग रहा है, डाउट जा रहा है कि जो इसका बेस कोट है, बेस कोट को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग ये हेलमेट को अभी करेंगे कल। तो गाइस आप लोग लुक तो देख लीजिए इसका कैसा लगने वाला है ये फाइनल होने के बाद, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ, सेकंड टाइम में भी समझ लो ये फेल हो गया है, क्योंकि जो इसका बेस कोट है, ये जो फिल्म है मैंने जो फर्स्ट टाइम डुबाया था वो दूसरे रोल की थी, और अभी जो डुबाया हूँ ये दूसरे रोल की फिल्म थी, लेकिन फिर भी ये बेस कोट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है इसको। तो मतलब इसका जो हम लोगों ने नीचे बेस कोट मारे है, इस चीज़ की वजह से ये हमारा काम नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग इसको अभी
कल आके इसको फाइनल करेंगे। तो गाइज इसको अभी समझ लो आज तो हमारा काम हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि लेट भी हो गया है, 10:30 बज गए हैं, रुक के मतलब नहीं। और ये हेलमेट मेरा ही है, कस्टमर का तो है नहीं कि मुझे आज ही फाइनल करना है कैसे भी करके। तो पूरा तो बहुत लग रहा है कि मेरा हेलमेट रेडी नहीं हुआ, लेकिन क्या करेंगे, अच्छा काम करने के लिए थोड़ा सब्र करना ही पड़ता है। तो इंशाल्लाह कल हम लोग इसको बहुत ही ध्यान और तवज्जो से इसका काम करेंगे। चलिए मिलते हैं कल। हे गाइस वेलकम टू नेक्स्ट डे। तो आज हम लोग अपना हेलमेट कंप्लीट करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी फ़िलहाल इसकी कंडीशन ये है, इसको हम लोग फिर से बेस कोट मारेंगे, उसके बाद फिर डिपिंग करेंगे। तो अभी इमरान भाई आए हुए हैं यहाँ पे एक्टिवा लेके अपनी। इमरान भाई की एक्टिवा पे हम लोगों को नाम लगाना है, देखिए आप ये नाम अभी कटिंग हो रहा है। अभी रेड कटिंग का। तो गाइस ये अभी सिर्फ आउटलाइन है, इसके ऊपर मेन नाम आने वाला है। इमरान भाई अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो गाइज अभी समीर हमारा जो है वो KTM लेके आने वाला है, तो जरा उसका भी राउंड मार के देख लेते हैं कि KTM हमारे ऊपर क्या लगती है और सूट करती है या नहीं, क्योंकि मुझे बुलेट चलाने की आदत है। तो KTM मतलब मैं सोच रहा था मेरे ऊपर KTM सूट करेगी या नहीं करेगी, आप लोग मुझे बताइए KTM कैसी लग रही है मेरे ऊपर। ये मेरी गाड़ी लेके भाग गए। तो ये बाइक की टाकी भी आ गई है, इसको हम लोग अभी स्टिकर करके लैकर करेंगे। तो गाइस इसका बेस कोट का काम तो कंप्लीट हो गया है, इसको अभी हम लोग डिपिंग करने वाले हैं। Look like Makala. Can I say something?
फाइनली एक साइड का हमारा काम बहुत ही अच्छा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पानी मार के दिखा रहा है स्ट्रक्चर है अपने ऑडियंस को, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी सिर्फ हम लोगों को दूसरी तरफ टेपिंग करके वहाँ से कंप्लीट करना है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हेलमेट हो गया है कंप्लीट। मैं आप लोगों को एक बार अपना हेलमेट दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है इसका फाइनल लुक, आपको मैं दिखाता हूँ। मतलब कार्बन फाइबर में देखने में एकदम ओरिजिनल लग रहा है, आप लोग देखो इसको। जब इसका ग्लास लगाऊंगा मैं ब्लैक कलर का, तभी हेलमेट में और जान आ जाएगी। लेकिन मुझे फिर भी इसके अंदर एक चीज़ की कमी लग रही है कि पूरा का पूरा कार्बन फाइबर भी, मतलब इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे ग्राफिक करना पड़ेगा, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ग्राफिक भी करने वाला हूँ। तो समझ लो आज के दिन तो समझ लो अपना काम माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हुआ है। तो अभी अपनी KTM के ऊपर नंबर प्लेट फिटिंग कर रहे हैं हम लोग, जेल वाली। अमित ले साफ कर ले, पहले साफ कर लिया। तो हमारी नंबर प्लेट फिटिंग हो गई है जेल वाली, आप लोग देखो। इसको हम लोगों ने डबल टेप से चिटकाया ताकि इसको इसके अंदर हम लोगों को कहीं भी होल ना करना पड़े। फ्रंट की भी हम लोगों ने बिना स्क्रू के लगाए हैं डबल टेप पे। 3M का डबल टेप यूज़ किए थे तो हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आई है और काफ़ी अच्छी तरीके से फिटिंग हुई है। तो गाइस फाइनली आज हमारा हेलमेट हो गया है कम्प्लीट। आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने इससे मिल लिया, हमारा छोटू सा बिलाल है, हाय बोलो। हाँ तो आज के व्लॉग में हम लोगों ने किया है एक बाइक को स्टिकरिंग करके, हम लोगों ने उसको लेकर करे है और हम लोगों का हेलमेट कंप्लीट हो गया है। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोलो पापा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तपाई करो। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।